छोटू
ओ छोटू नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, क्या बात है, नीचे बैठ जाओ सारा। अरे हम तो सुर में तेरी, लेकिन ये जनता, ये लोग, ये लुगाई, ये काड़ू भैरू और रतन सवालों के जवाब देने के लिए तो हम आए हैं। इन सब लोगों को धुएं से छुटकारा दिलाने आए हैं। अच्छा, पर वो कैसे? देख ऐसे। ओहो, बीमड़ी। बीमड़ी। अरे क्या है? अरे ये चाचड़ी हो? अरे दिखाई नहीं दे रहा, चूल्हा जला रही हूँ। भगवान, ऐसे कौन चूल्हा जलाता है? यहाँ पे पूरे घर में धुआं धुआं भर रखा है। अरे घर धुआं, मेरी छाती में धुआं भर चुका है। आपको नमस्कार, भाभी जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अंदर घुसोगे क्या उसमें? अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, आपके घर में जो आग लगी है इसे बुझाने के लिए आया हूँ। कहाँ लगी है? ऐसा भी धुआं निकल रहा है, इसको बुझाने आया हूँ। अरे धुआं, लेकिन ये चूल्हा क्यों जल रहा है? मारती हो आप, मेरी बात सुनो। हाँ। मैं आपको इस धुएं से छुटकारा दिलाने आया हूँ। हाँ, दिला दो। आपको इनसे छुटकारा दिलाने आया हूँ। भगवान, भरी जवानी में किससे मेरी बीवी से छुटकारा? अरे बीवी से नहीं, हाँ लाल जी, धुएं से छुटकारा। हाँ। ऐसा बोलो ना, तो इनको समझ में नहीं आता ना। मेरी बात सुनो, मैं आपको इस धुएं से छुटकारा दिला दूंगा, इससे मुक्त करा दूंगा। अब आपको डेली फूंक मारने की जरूरत नहीं है, मत मारो। हाँ, आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ और नजदीकी क्लिप इंडियन गैस एजेंसी पर जाकर नया गैस का कनेक्शन ले लो। ओहो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाभी जी, आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आसानी से वहाँ जाओ और अपना इंडियन गैस का एजेंसी का ले लो सिलेंडर। हवा में उड़ जाओगी। अरे नहीं जी नहीं, ये तो अरे अब तेरी बनाएंगे।
भाभी जी आप बहुत समझदार मालूम होती है। अरे समझदार कैसे मेरी भाई, मेरी लुगाई है, मेरी लुगाई है। अरे मैंने कब बोला मेरी लुगाई है? भाई साहब मेरी बात सुनो, भाभी जी आपके लिए एक और बात है। बता दू? अरे तो सब उसी को बताएगा, मुझे भी तो बता। मैं अरे तो मांगेलाल जी खाना आप बनाते हो, ये बनाती है? खाना तो ये बनाती है। खाने तो यही बनाती है ना। भाभी जी सुनो, जब आप अपने खाना बना ले दिन में कितनी बार, और रात को जब सोने जाए या फिर कभी पिकनिक पर जाए या घर से लंबी छुट्टी पर जाए, तो ये रेगुलेटर है इसका स्विच बिल्कुल ऑफ कर कर जाइएगा। ऐसे भाभी जी मेरी बात सही समझा। और भाभी जी आप बहुत समझदार है, भाभी समझदार है भाई। अब आप ले जा सकते हैं। चलो जी चलो। वाह वाह वाह, क्या काम करके आए हो आज में, बढ़िया। धुएं से छुटकारा भाई। पहली बार क्या, हर बार आदमी को अपनी लुगाई के लिए अच्छा काम तो करना ही पड़ता है। अरे बच्चों बोलो, करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, इनकी तो शादी नहीं हुई। ससुर जी को कौन बुलाएगा अब? चलो ठीक है। हाँ ससुरो, मैंने कोई देवानी नहीं किया हम लोगों ने, पूरी गैस है ना। अब भाई साहब आप इसको
चेक करो कि कहीं आप हमारा सिलेंडर लीक तो नहीं है, ये भी चेक करना होता है। हाँ, ये भी चेक करना होता है। अरे 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 भाई साहब, आराम से कैसे? आपको बहुत जल्दी है डिलीवरी मैन। अरे जाना, दूसरे गली जाना है। बात करो, कोई सुनी है हमें? ठीक है, कोई यारी सुनी नहीं, ये मतलब ये है कोई लीक नहीं है। अच्छा, ये है फोन टेस्टर। अगर इसकी जो लाल सुई है वो ऊपर उठ गई, इसका मतलब हमारा सिलेंडर लीक है। और नहीं उठी, इसका मतलब नहीं है लीक, सुरक्षित है। ये है ओरिंग लीक टेस्टर। अच्छा, ओरिंग लीक टेस्टर। हां, नहीं नहीं, इसमें कोई बबल फटाव नहीं है अपना। अच्छा, तो ये ओरिंग होती है। हां, इसके अंदर कोई फटाव होती हो या रबड़ होती है हमारी ब्लैक की, पटरी है या कटरी है तो भी सुई दिखा देगी। अच्छा, कोई सुई नहीं दिखाई देगी। धन्यवाद। बस ये तीन चीजें हमें चेक करनी है। बिल्कुल, वैसे तो कंपनी से सारी चीजें चेक होने के बाद ही इसके ऊपर सील लगकर आता है। बबिया का तो मांगे लाल जी, अब इंडियन गैस आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर आए हैं। अजी, अब इंडियन गैस आपके लिए लाया छोटू। वो इंडियन गैस का बच्चा है। अभी जी ये देखो, इसमें होती है 5 किलो गैस। तो इसका नाम छोटू है। हाँ, और ये आपके लिए बहुत ही आसान है। आप इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। क्या बात है अजी, ये FTL है, फ्री ट्रेड। कोई इसको रोकेगा टोकेगा नहीं कि इस सिलेंडर को कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले सकते। अजी, अगर आपको किसी पिकनिक पर जाने का मन कर गया, अपनी साली के साथ, अपनी बीवी के साथ, तो वहाँ गर्मा गर्म कपड़े खाने का मन किया, तो आप इसको ले जाओ। उसके साथ आता है कुकटॉप। कुकटॉप? अरे कुकटॉप नहीं, कुकटॉप। अच्छा, कुक। अरे भाई साहब, आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, आपने छोटू लगा दिया और ये खत्म हो गया। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अजी कितनी बार भी? 10 बार। हाँ, 10 बार भी भाई साहब। कविता को भी भिजवा देना। अजी, कविता को भी भिजवा देना। इसमें आती है 5 किलो गैस। अगर आपका बच्चा किसी दूसरे शहर में पढ़ता है और वहाँ उसके पास सिलेंडर नहीं है, तो आप इसको छोटू खरीदवा के यहाँ से वहाँ भेज सकते हो। बात कर रहे हो, कहीं भी सकते हो, कहीं भी भारत भर में कहीं भी। भाभी जी, यही तो है नया पीढ़ी का नया साथी। भाभी जी, घर ले आओ झटपट और खुशी करो फटाफट। हम, मेरी बात सुनो, इंडियन गैस आपके लिए एक और खुशखबरी लाया है। एक और खुशखबरी? वो देखो, रंग बिरंगा सिलेंडर जिसका नाम है कंपोजिट सिलेंडर। कम बैक सिलेंडर? अरे कंपोजिट सिलेंडर। कंपोजिट सिलेंडर, ये देखो कितना सुंदर है। सुंदर तो है भाई साहब, सुंदर तो ये सारी माता बहनों के लिए आसान और सुरक्षित सिलेंडर है। बताए कैसे? कैसे? देखो, दिखने में बहुत ही सुंदर है। हाँ। और ये बिल्कुल पारदर्शी होता है। आठ पार? अरे आठ पार नहीं, पारदर्शी। अच्छा, आप इसमें गैस देख सकते हो कितनी बच रही है, कितनी खर्च हो गई, क्या चल रही है। ओहो, है ना। और भाभी जी, इसमें कभी तो जंग नहीं लगती। अपनी लुगाई बड़ी परेशान रहती है, जो लोहे के सिलेंडर है फर्श खराब कर देते हैं, पूरे दिन घिसती रहती है। अजी, आप इनको ये दिलाओ, कभी इसको घिसना नहीं करेगा नीचे। ये जंग रोधक है, कभी कोई जंग नहीं लगती। अच्छा, क्यों नहीं लगती? किसका बनाई है? अजी, ये फाइबर बॉडी का है। फाइबर बॉडी का है भाई। आपको पता है इसमें कभी आग नहीं लगती है, बिल्कुल फायर प्रूफ है। कभी जिंदगी में ब्लास्ट नहीं हो सकता। ब्लास्ट नहीं हो सकता? हाँ, आग नहीं लग सकती, बिल्कुल। ये तो बड़ा सुरक्षित है। अभी जी, इसको उठा के बताओ। अरे उठाओ भगवान। ओहो, ये क्या हो गया? अरे भाभी जी, ने लगता है पहली बार सिलेंडर उठाया। जब से ब्याह कर लेकर आया, पहली बार सिलेंडर उठाया है जी। अब आपको आपके पति देव का इंतजार करने की जरूरत है। 6 बजे आए 7 बजे आए, आपको अपना सिलेंडर कहीं भी लगाना हो, आराम से लगाइए। लगाओ भगवान, तुम लगाओ आराम से। इसमें होती है 10 किलो गैस और उसका टोटल वेट होता है 15 किलो। 15 किलो भी नहीं, खाली सिलेंडर का 5 किलो वेट है और इसमें गैस होती है 10 किलो। वाह वाह वाह, है ना। तो भाभी जी, आप इसे अपनाएंगी? अरे अपना लिया, अपना लिया है भाई साहब। पक्का? पक्का जी, पक्का। चलिए तो हम चलते हैं। तो मांगेलाल जी, हाँ जी, देखो इंडियन गैस आप लोगों के लिए कितना आसान और सुरक्षित चीज लेकर आया है। जी बिल्कुल। पर एक बात बताओ। हाँ बताओ। यार, मैं अपनी मम्मी से बहुत परेशान। अरे क्या हो गया मम्मी जी ने? क्या कर दिया? मम्मी से परेशान हूँ, मेरी बात ही नहीं मानती। क्यों, क्या हो गया? वो पहले
पहले गैस को ऑन करती है, उसके बाद में मुझसे बातचीत करती रहती है, और फिर धीरे धीरे माचिस की तिल्ली जलाती है, उसके बाद में उसमें आग लगाती है। अरे रे रे रे, बड़ी गंदी, बड़ी खराब बात है भाई। मम्मी गंदी है। मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये चीज तो बिल्कुल गलत है भाई साहब, ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने मम्मी से बोला है, मम्मी पहले तिल्ली जलाओ, उसके बाद में गैस को ऑन करो, उसके बाद उसमें आग लगाओ। आग लगाओ नहीं तो उसमें पहले अगर ऑन कर दी तो गैस निकलती रहती है, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ भाई देखो, पहले गैस ऑन कर दी, फिर हम तीन या चार बार तिल्ली जलाते हैं, तब तक गैस इकट्ठी हो जाती है और फिर एकदम से बबका आता है। हाँ, हमारी यहाँ को जल सकती है। तो भाई ऐसी गलती नहीं करे कोई भी माता है बहने। लेकिन यार मांगेलाल जी, हाँ, मैं अपनी बहन से अरे क्या हो गया मेरी बहन दूध गर्म करती है। अरे तो तुझे नहीं देती क्या दूध? देती है तो, लेकिन वो गर्म होने के बाद उसको अपने पल्लू से पकड़ के ऐसे करके ऐसे। बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत। भाई देखो, जिसकी माता है बहने, जो भी दूध गर्म करे, जो भी गर्म पानी करे सर्दियों में, तो क्या करती है? क्या तो पहले ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, उसके बाद उनको संडासी मिलेगी नहीं, तो पहले इसको लेगी और उसको यूं पकड़ के ऐसे ऐसे करके और रख देगी। और हमारे माता बहनों को बनने का होता है सुपरमैन बनने का शौक। भाई हम खेलेंगे तो भाई बड़ी गलत बात, ऐसे नहीं करना चाहिए। और एक बात बताऊं, परसों हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। क्या हो गया? अरे भाई, एक घर में ना एक गैस सिलेंडर लीक हो गया। मैंने सुना था भाई, वो किसी की लापरवाही की वजह से गैस सिलेंडर लीक हो गया। हाँ। लेकिन एक इंसान ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। क्या हुआ, भाग गया वहाँ से? अरे नहीं भागा, अरे उस घर में जितने लोग भागते वो तो भाग गए। अच्छा, लेकिन उस आदमी ने आकर घर के जितने खिड़की दरवाजे थे सब खोल दिए। अरे क्यों भाई, ताकि चोर कूद के अंदर आ जाए? अरे चोर नहीं, वो गैस जो लीक हो रही है वो आराम से बाहर चली जाए। अच्छा भाई, गैस बाहर चल जाए इसलिए खोल दिए। हाँ, और उसके बाद में उसने जो लाइट का स्विच ऑन था उसे ऑन रहने दिया, जो ऑफ था उसे ऑफ रहने दिया। उल्टा क्यों करेंगे यार, अगर हम कोई भी स्विच को छेड़ेंगे ना, उससे होती है इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होता है, और वो अगर गैस के संपर्क में आएगा। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो बच्चों, कहाँ जा रहे हो? उसके पास कॉल करके वहाँ से कोई भी व्यक्ति आएगा और आपकी समस्या का समाधान करके जाएगा। ओहो, अच्छा ऐसा होता है। हाँ, लेकिन यार मैं भी मेरे ताई जी से बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, तेरे ताई जी ने क्या कर दिया? अरे ताई जी नहीं, ताया जी। अरे वो बुड्ढा, अपने ताया जी है, ताऊ जी। हाँ ताऊ जी, ताऊ। हाँ, वो पता है क्या करते हैं, गैस सिलेंडर रखी हुई है और उसी के पास हमारी जो बहू है, हमारी लुगाई, वो खाना बना रही है, वहीं बैठ के वो हुक्का फूंकते रहते। अरे यार, तेरे पापा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हाँ, फिर मैं उनको समझा समझा के थक गया भाई साहब, भाई गैस लीक हो रही है, हुक्का पी रहे, बताओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ पर गैस सिलेंडर चूल्हा रखा हुआ है वहाँ कोई भी ऐसी ज्वलनशील चीजें नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो केरोसिन हुआ या आपका पूजा घर भी आपकी किचन में नहीं होना चाहिए। जिस रूम में या किचन में आपका गैस सिलेंडर है वहाँ पर ऐसी कोई भी जलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और आपके ताया जी को बोलो कि वहाँ पर बैठ के हुक्का नहीं पिए। अरे हुक्का छोड़ो, बीड़ी बीड़ी कुछ नहीं पीनी चाहिए, वो नहीं तो उड़ जाएंगे किसी दिन। अरे हमें भी उड़ा देंगे भाई किसी दिन। मेरी बात सुनो, परसों मेरे घर में ना बहन की सगाई थी, वहाँ पर मैंने हलवाइयों से झगड़ा कर लिया। अच्छा, मुझे लगा उनके साथ नाचा हलवाइयों। उसने क्या किया, जैसे गैस खत्म होने लगी उस सिलेंडर को टेढ़ा रख दिया, एक और को उल्टा कर दिया। उल्टा ही कर दिया? हाँ। अरे गलत बात है भाई साहब। अरे उसने बोला कि भाई इसमें से आधा किलो या एक किलो गैस और आ जाएगी। पर मैंने बोला कि भाई ये सब हमारे मन की भ्रांति है, जो सिलेंडर की सही पोजीशन है वो यही है, खड़े हुए सिलेंडर में से जितनी गैस निकलती है वो आ जाती है। अगर हम सोचेंगे कि उल्टा करने से या टेढ़ा करने से कुछ गैस और आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। अब एक बात बताओ, जो लोग हमारी बात मानेंगे वो तो अच्छे से रहेंगे, जो लोग नहीं मानेंगे उनके साथ पता है क्या होगा? हाँ बताओ। देखो क्या हो गया,
मैं बोल रहा हूँ मेरा प्यासा करा जाता है। पड़ी है जब तुझसे बोला था हरा वाला पाइप इस्तेमाल मत कर, सुरक्षा होस पाइप लेकर आओ, इसकी 5 साल की गारंटी होती है, क्यों नहीं लाया? अरे वो हरा वाला पाइप सस्ता होता है, सस्ता। अरे वो सस्ते के चक्कर में मैं महंगा हो गया, मैं ऊपर आ गया और तू क्यों लगा रही है? अरे शादी अपने ये तो बता जाते कि कहने का छुपा के कहने घर में या किसी के भी घर में
किसी की लापरवाही की वजह से गैस सिलेंडर लीक हो जाए तो हमें कौन सी दो तीन बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हाथों पर खड़े बताए। हाँ जी, हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, और आखिरी काम और एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए। कॉल करना चाहिए एम्बुलेंस नंबर बताओ उसका। ए टी एम जीरो
बोल बोल जो सुरक्षा होस पाइप होती है उसकी कितनी साल की गारंटी होती है? पांच। बेटा तुम्हारा लाइटर मुझे दे दो। हाँ जी बताइए। 5 साल आ जाइए। जोरदार तालियां। किसने बता दिया वो ना बताए? अब दूसरों को भी बोला है ना हाथ ऊपर करना, जिसको बताना हाथ ऊपर करना। हाथ मैंने बोला था निकाल। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा मैंने बोला था क्या? ये क्या है? तो पांच साल की गारंटी है ना। तो वो तो अब अगला सवाल है आप लोगों से। पर देखते हैं ना, मैंने बोला था आज लेट। रेगुलेटर को कब हमको बंद करना चाहिए, कब ऑन करना चाहिए? खाना बनाने के रात को सोते समय ऑन कर देना चाहिए। जोरदार तालियां अपने स्कूल के लिए।